स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि आप जानते हैं। इसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड। इट इज कंपोज ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड एडिनिन, द पेंटोज शुगर राइबोस एंड थ्री फॉस्फेट ग्रुप। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए, इसमें जो एक तो इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर होता है, नाइट्रोजन बेस, उसे हम एडिनिन कहते हैं, और पेंटोज शुगर होती है जिसे हम राइबोस कहते हैं। थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं इसमें। द लास्ट फॉस्फेट ग्रुप इज बॉन्डेड विद अ हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड। तो इसमें से जो लास्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड से बाउंड रहता है, उससे बॉन्ड बना के रहता है। दिस बॉन्ड कैन बी ब्रोकन टू रिलीज एनर्जी फॉर सेल्स टू यूज। तो ये जो लास्ट वाला जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, जब भी ये इसका ब्रेक डाउन होता है, ये टूटता है, तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, और ये रिलीज जो एनर्जी होती है वो सेल्स के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। रिमूविंग अ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी, ब्रेकिंग द लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड फ्रॉम ब्रेकिंग द लास्ट मैम बॉन्ड फ्रॉम एटीपी विल रिलीज एनर्जी फॉर सेल्स टू यूज फ्रॉम एडीपी। मैम यूनिट कौन सी है? ये यूनिट सेकंड है, बोलो मत, बीच में रिकॉर्डिंग चल रही है। ब्रेकिंग द लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड फ्रॉम एटीपी विल रिलीज एनर्जी फॉर सेल्स टू यूज फॉर्म एडीपी। तो लास्ट जो फॉस्फेट यहां से जो रिलीज होता है एटीपी से, ये एटीपी एडीपी जब ये इससे रिलीज होता है, तो एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और रिलीज एनर्जी जो होती है वो सेल्स के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है। प्रोड्यूस अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप, इससे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है एटीपी का। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, ये एक एडिनिन ग्रुप है नाइट्रोजन बेस, इसमें एक राइबोस शुगर होती है, देन तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, तो इसलिए इसको हम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। फ्री फॉस्फेट कैन बी री अटैच टू एडीपी, री फॉर्मिंग एटीपी प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए, ये जब ये एटीपी से एक फॉस्फेट का रिमूवल होता है, तो एटीपी किसमें कन्वर्ट हो गया? एडीपी में, यानी यहाँ पर दो फॉस्फेट ग्रुप रह गए, तो डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, हिंदी में होते हैं फॉस्फोलीकरण, तो इसको हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन। टू पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, टू रिएक्शन मेकअप फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं, नंबर वन होती है लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो यानी ये रिएक्शन जो होती है लाइट की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होगी, और ये लाइट पर डिपेंड होती है, इसलिए इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। Produces energy from solar power in the form of ATP and NADPH. तो light reaction में जो main यहाँ पर energy rich compound बनते हैं, देखिए यहाँ पर ATP का formation होता है और NADPH का formation होता है। तो light reaction में mainly यहाँ पे ATP और NADPH बनते हैं यहाँ पर। Second देखिए, Calvin cycle और light independent reaction. Second जो reaction होती है light पर depend नहीं होती है, इसलिए इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसे हम C3 पाथवे भी कहते हैं। तो देखिए, इस पर क्वेश्चंस कई तरह से पुटअप होते हैं। केल्विन साइकिल पूछ लिया जाता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या यू कहा जाता है डार्क रिएक्शन, C3 पाथवे, तो किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। ऑल्सो कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन और C3 फिक्सेशन यूजेज एनर्जी ATP एंड NADPH फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू मेक शुगर। तो C3 पाथवे में देखिए क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का जो फॉर्मेशन होता है, इसको यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है,
और यूटिलाइज करके क्या किया जाता है, यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेन इसमें प्रोसेस होता है लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन अकर्स इन द थायलेकोइड मेम्ब्रेन्स। तो लाइट रिएक्शन जो मेनली कहाँ पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट के थायलेकोइड मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन देयर आर टू पॉसिबल रूट्स फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो दो रूट के थ्रू होता है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, दूसरा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो दो तरह का पाथवे होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जैसे फर्स्ट है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, अकर इन द थायलेकोइड मेम्ब्रेन, यूजेस फोटोसिस्टम फर्स्ट ओनली, P700 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, यूजेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जनरेट ATP ओनली। तो देखिए साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है, देखिए कि ये मेनली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की थायलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है, वहीं पे पाया जाता है ये। और इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट ही सिर्फ यूज किया जाता है, और फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर जो होता है वो P700 होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है और सिर्फ रिएक्शन सेंटर क्या होगा P700। और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूटिलाइजेशन किया जाता है और इसके बाद फाइनली यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है। तो यानी ADP जो है ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट ही यूज होता है, और फोटोसिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर P700 होता है, यानी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज किया जाता है और फाइनली यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ये है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये देखिए ये P700 है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये लाइट सनलाइट से यहाँ पर इन्होंने एनर्जी ली, तो यानी फोटोन्स इस यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक्सेप्ट किए गए। इससे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होकर फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइटोक्रोम तक पास आउट होता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर पढ़ी हो तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम सी, और यहाँ पे फेराडॉक्सिन होता है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले फेराडॉक्सिन के द्वारा यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फेराडॉक्सिन से फिर ये साइटोक्रोम एफ सी ए इनसे होता हुआ दोबारा वापस कहाँ आ जाता है, P700 पर। यानी इस पूरे प्रोसेस में देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक मैनर में रिलीज कर रहा है, यानी यहाँ पर देखिए एक साइकिल, ये जिस फोटो सिस्टम से ये रिलीज हुआ था इलेक्ट्रॉन, ये फर्दर वापस उसी पर आ गया। तो इसलिए इस तरह के इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। इसमें क्या होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ये था इस, ये याद रखिएगा, इसमें से फोटो सिस्टम फर्स्ट ही यूटिलाइज होता है, और इसमें रिएक्शन सेंटर क्या है P700, और ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकेंड है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, अकर्स इन द थायलेकोइड मेम्ब्रेन, सेम ये भी थायलेकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यूजेस फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो देखिए ये दोनों फोटोसिस्टम यूटिलाइज करता है, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों। P700 रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो देखिए इसमें भी दो, क्योंकि दोनों फोटोसिस्टम है तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर भी दो है। देखिए फोटोसिस्टम सेकेंड में यहाँ पे कौन सा रिएक्शन सेंटर है, P680। फोटोसिस्टम फर्स्ट में हमने पढ़ाई था P700 होता है, यूजेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और जनरेट ऑक्सीजन ATP एंड NADPH। तो देखिए यहाँ पर नया क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों फोटोसिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, दो रिएक्शन सेंटर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करेंगे, और फाइनली यहाँ पर क्या बनता है, एक तो ऑक्सीजन बनती है, रिलीज होती है, और ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। तो देखिए ADP से ATP का फॉर्मेशन हो गया, NADP जो है इससे इसने देखिए हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर NADPH बन गया। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ H2O नॉट CO2। तो देखिए यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है,
तो ये याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से होती है, ना कि CO2 से। तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है? सिर्फ और सिर्फ H2O से होती है। ये केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल अकर इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में पाई जाती है, ये वाले सेंटर में, यहां पर होती है केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल देखिए, केल्विन साइक्लिकल प्रोसेसेस विद थ्री फेजेस। देखिए केल्विन साइकिल में थ्री फेजेस होती है। फर्स्ट नंबर पर कार्बन का फिक्सेशन होता है, सेकंड नंबर पर रिडक्शन, एंड थर्ड नंबर पर रीजनरेशन। तो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट होती है। रिडक्शन में क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज किया जाता है और उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। रीजेनरेट्स मॉलिक्यूल्स फॉर अनदर साइकिल, तो दूसरी अन्य साइकिल के लिए यहाँ पर वापस से क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स का रीजेनरेशन होता है। ये केल्विन साइकिल है। फेस फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन, देखिए फेस फर्स्ट में ये यहाँ पर ये केल्विन साइकिल स्टार्ट हो रही है। केल्विन साइकिल फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये राइबलोज बाईफॉस्फेट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RUBP। ये देखिए केल्विन साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, राइबलोज बाईफॉस्फेट से, और इसमें एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, इसको हम बोलते हैं रिबिस्को, इसको हम रिबिस्को एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही CO2 इसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, एंटर करती है, तो यहाँ पे RUBP के साथ रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करके क्या बनाती है, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA बनाती है। तो देखिए CO2 प्लस 1,5-RUBP शॉर्ट लिव्ड 6-कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 5-कार्बन कंपाउंड है, ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 6-कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए ही बनता है, ये फिर ये इंटरमीडिएट बनता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल नॉन एज PGA। तो जो यहाँ पर 6 कार्बन जो इंटरमीडिएट बनता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है, और उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने से क्या है, यहाँ पर 2-3 कार्बन यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 2 कंपाउंड बनेंगे और उसमें कार्बन कितने होंगे, 3, और इसका नाम होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो रिएक्शन टाइप क्या होती है, यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, एंजाइम यहाँ पर सिंथेटेज यूज होता है रुबिस्को, और एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है, जिसमें यहाँ पर RUBP CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और 6-कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बट ये जो इंटरमीडिएट बनता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है, और तुरंत ही ये यहाँ पर 2 कंपाउंड बनाता है सेम, जो जिसमें 3 कार्बन होते हैं, उसका नाम है 3-PGA, और ATP का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। रुबिस्को राइबलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, इस एंजाइम को हम बोलते हैं राइबलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, लार्ज स्लो रिएक्टिंग एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है लार्ज होता है और स्लो रिएक्ट करता है। मोस्ट एंजाइम प्रोसेसेस 1000 रिएक्शंस, तो ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं कम से कम 1000 रिएक्शंस प्रोसेस करते हैं। रुबिस्को प्रोसेस 3 रिएक्शन, सिर्फ जो रुबिस्को होता है 3 ही रिएक्शंस को प्रोसेस करता है। प्लांट्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ रुबिस्को फॉर केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल में रुबिस्को की बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। हाफ द पोर्शन इन अ लीफ, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, तो ये सबसे ज्यादा अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। फेज टू में क्या होता है, देखिए रिडक्शन होता है। तो फेज फर्स्ट तो आपने पढ़ा था, देखिए RUBP CO2 के साथ रिएक्ट करा और यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिडक्शन में ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, और बीच बीच में देख रही है ये NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। जो भी यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं वो
एनएडीपी के साथ रिएक्ट करके एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखिए ग्लिसरेडियाइड 3-फॉस्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो ये रिडक्शन प्रोसेस था। एनर्जी यूटिलाइजेशन, अब देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना था और उससे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट बना था, तो बीच में एक एटीपी से देखिए एक यहाँ पर क्या निकला, एक फॉस्फेट रिलीज हो गया। देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट एसिड बना यहाँ पर, यानी इसको एक फॉस्फेट की और रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ से एक एटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज हो गया और रिलीज होने की वजह से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया और एक फॉस्फेट ग्रुप ये यहाँ पर इस जगह पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ अटैच होने की वजह से यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए, तो क्या बन गया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। एटीपी फॉस्फोराइलेट्स इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रिएक्शन टाइप फॉस्फोराइलेशन एंजाइम काइनेज एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये जो रिएक्शन है एक तरह की फॉस्फोराइलेशन है क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है और एंजाइम जो यूटिलाइज होता है यहाँ पर वो काइनेज होता है। एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनएडीपीएच यूज्ड टू सिंथेसाइज G3P रिएक्शन टाइप रेडॉक्स एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एनर्जी एब्जॉर्ब। देखिए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है देखिए क्या बनता है, ये ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है यहाँ पर ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट, यानी देखिए एक फॉस्फेट हम यहाँ से रिलीज हो गया। रीजेनरेशन ऑफ द 6 G3P प्रोड्यूस वन ऑफ देम असिस्ट द साइकिल ऑफ इवेंचुअली बिकम ग्लूकोज एंड types of organic compound, the other 5 G3P continue in the cycle to help regenerate the starting substrates. ये देखिए अब यहाँ पर ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ था और ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट से यहाँ पर देखिए ये GAP का प्रोडक्शन हो गया। अब ये वापस फाइनली फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो यानी फर्स्ट प्रोडक्ट वापस रीजनरेट हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए पूरी साइकिल, ये देखिए RuBP CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, वो तुरंत स्प्लिट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड होता है तो ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट देखिए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट में, ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है ये देखिए GAP में, एंड देन वापस राइबलोज 5-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल है केल्विन साइकिल, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। रीजेनरेट G3P रीथ सिंथेसाइज टू 1,5-राइबलोज 5-फॉस्फेट। तो देखिए ग्लिसरेडिहाइड फॉस्फेट जो है दोबारा 1,3-1,5-RuBP का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है राइबलोज बाई फॉस्फेट का, 5 3 कार्बन यानी 3 × 5 5 कार्बन यानी RuBP के ये देखिए कितने 3 बन रहे हैं यहाँ पर, 15 कार्बन इन टोटल यूजेस ATP। रिएक्शन यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है इसलिए सिंथेसिस हो गया रिएक्शन, एंजाइम सिंथेस हो गया और एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो आपको बस ये साइकिल पूरी याद रखनी है और उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। ये साइकिल अगेन एडेप्टेशन टू लिमिटेशंस, फोटो रेस्पिरेशन लिमिटेशंस, इसमें फोटो रेस्पिरेशन लिमिटेड होता है, एडेप्टेशन टू हॉट एरिड कंडीशंस, C4 प्लांट्स एंड केम प्लांट्स। तो ये नेक्स्ट पाथवे जो हम पढ़ेंगे इसमें फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, C4 प्लांट्स पढ़ेंगे, केम प्लांट्स पढ़ेंगे।